नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच। चुपके से महिलाओं को झांकती आंखें हर जगह हैं, मेट्रो में, बस में, होटल में, हॉस्टल में, घर में, हर जगह। अगर आप लड़की हैं तो आपको भी सावधान रहना जरूरी है। एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है कर्नाटक से, जहां लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाने वाला एक लड़का पकड़ा गया है। क्या है इसका पूरा मामला, जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। कर्नाटक के एक निजी कॉलेज के छात्र को छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी छात्र कॉलेज के वॉशरूम में हिडन कैमरे की मदद से उनका अश्लील वीडियो बनाता था। उसके मोबाइल से 1200 से ज्यादा अश्लील वीडियो और फोटोज मिले हैं। आरोपी का नाम शुभम एम आजाद है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए उसकी अश्लील तस्वीरें क्लिक करने का आरोप है। हाल ही में वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाते हुए पकड़े जाने के बाद शुभम वहां से भाग गया था। पुलिस कहना है कि होसा केरहली के पास कॉलेज में हुई घटना के मुताबिक आरोपी छात्र पहले भी ऐसे करते हुए पकड़ा जा चुका है। तब लिखित माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। कॉलेज के एक प्रोफेसर की शिकायत के आधार पर मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को शक है कि आरोपी छात्र के पास और भी वीडियोस हो सकते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोबाइल की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा इस मामले में आरोपी से भी पूछताछ चल रही है। पकड़ा गया आरोपी बिहार का रहने वाला है और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। अक्सर ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल जैसी सुरक्षित जगह हो या फिर मॉल जैसा सार्वजनिक स्थान, बड़े बड़े होटल्स हो या फिर झुग्गियां, हर जगह महिलाएं खतरे में हैं कि उनका कोई चुपके से वीडियो तो नहीं बना रहा। सिर्फ सितंबर महीने की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और IIT बॉम्बे के अलावा भी बाथरूम में झांकने की 4 और खबरें आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।